एक निष्क्रिय सांसद और एक सक्रिय जनप्रतिनिधि के बीच का चुनाव है और मैं मानता हूं कांग्रेस भारी बहुमत से रीवा में जीतेगी। तो दो मुख्यमंत्री जेल में हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री जेल में हैं। जैसे बड़े बड़े राजाओं के यहाँ अकबर उकबर जब हमला कर देते थे तो किला घेर लेते थे, फिर वो रसद रख के बारूद रख के राजा अंतिम दम तक लड़ता था, फिर बाद में पानी के पार लाइन काट दें, बिजली काट दें या अन्य साधन मत कर दें, और जब भूखों प्यासे राजा के सैनिक मरने लगते थे तो गेट खोल के सरेंडर कर देता था। लोकसभा क्षेत्र रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के समर्थन में आयोजित नामांकन रैली में खासी भीड़ उमड़ी। पूरे जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस समर्थक, आम जनमानस एवं पार्टी के पदाधिकारी नामांकन रैली में शामिल हुई। रैली की भीड़ और कार्यकर्ताओं का जमकर उत्साह अपनी एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था। नामांकन रैली के पूर्व वृंदावन गार्डन में कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह भंवर, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष देश के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जैसे सीनियर नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह भंवर ने भाजपा के 400 पार किनारे पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसा हो गया तो वह अपने आप को जीवन भर के लिए प्रधानमंत्री घोषित करना चाहते हैं। अगर 400 पार का नारा पूरा हो गया तो प्रजातंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि उसके बाद यह मनचाहे फैसला लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ही आड़े हाथों लेते हुए श्री भंवर ने कहा कि यह पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा काम कर रही है, इन्हें उखाड़ कर फेंक दो। इन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान कहा, संविधान खतरे में है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि वह स्थिति ना आने पाए। रीवा के लोग बुद्धिजीवी हैं, सोचते हैं और समझते भी हैं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि रीवा की लोकसभा सीट से नीलम अभय मिश्रा की जीत होगी। स्थानीय स्तर पर चर्चा करते हुए श्री भंवर ने कहा कि रीवा आने पर स्थानीय नेताओं के बारे में जब जानकारी ली तो बताया गया कि यहां के विधायक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी है, लेकिन जिसने यह जानकारी दी उसने यह भी बताया कि वह भू माफिया भी है। इससे रीवा के साख और भाजपा नेताओं की पहचान कैसी होती है समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश में घोटाला ही घोटाला है, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला यहीं पर हुआ, युवाओं के साथ छल हुआ। उक्त अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा आज क्या कर रही है आप सब देख रहे हैं। आने वाले 26 अप्रैल को जब मतदान होगा तो काफी सोच समझ कर आपको अपने मत का प्रयोग करना है, क्योंकि इस बार की लड़ाई भारत को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने रीवा की जनता से आह्वान किया है कि देश का संविधान बचाने, घोटाले बाजों से बचने और झूठ वादे करने वालों से बचने के लिए अब जरूरी हो गया है कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित की जाए। इन्होंने रीवा के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी एवं जनता से अपील की है कि वह खुद मैदान में आए और जीत को सुनिश्चित करवाएं। सेंटीमेंट देश में जो अघोषित इमरजेंसी है, तो दो मुख्यमंत्री जेल में हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री जेल में हैं। जैसे बड़े बड़े राजाओं के यहाँ अकबर उकबर जब हमला कर देते थे तो किला घेर लेते थे, फिर वो रसद रख के बारूद रख के राजा अंतिम दम तक लड़ता था, फिर बाद में पानी के पार लाइन काट दें, बिजली काट दें या अन्य साधन मत कर दें, और जब भूखों प्यासे राजा के सैनिक मरने लगते थे तो गेट खोल के सरेंडर कर देता था। तो अब तो लोकतंत्र है, जनता से ही निर्वाचित प्रधानमंत्री, जनता से निर्वाचित मुख्यमंत्री, पर अगर कोई मुख्यमंत्री इनकी पार्टी के नहीं, इनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको जीने नहीं दे रहे हैं, उस क्षेत्र की जनता से बदला ले रहे हैं, एक ये बात है, तो भारत की जनता इनसे भारी नाराज, इनका चेहरा खुल चुका है। और युवा में तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की रबड़ की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और रबर स्टाम्प महापौर, जिसने कभी कुछ काम ही नहीं किया, पूरा का पूरा घोटाला, और किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से नहीं मिले, किसी को एक हैंडपम्प नहीं दिया, किसी को 2000 की निधि नहीं दी, जब कोई कार्यकर्ता जाता था कहते थे नीम लगाओ, और आज भी कहते हैं कि जिसकी गरज होगी हमको वोट देगा। इनके गाँव में हैंडपम्प बिगड़ा है, घर के सामने जनता गई तो बोलते जाओ मोदी से बात करो, तुमने मोदी को वोट दिया,
इस तरह से अलगरज है ये वोट लेने के मामले में, और इनके सांसद होने का 10 वर्ष में कोई औचित्य नहीं निकला। रीवा के लिए इन्होंने कोई बात नहीं रखी। इस बार नीलम मिश्रा चुनाव प्रचार में है और ये नहीं कहा जा सकता कि अब हम प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं है, हम निश्चित चुनाव जीतेंगे। रीवा में इंडिया अलायंस कितना इफेक्टिव होगा? पूरा इफेक्टिव होगा, हम लोग सब मिलकर।